हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, हमारी सुबह हो गई है, यहाँ सब बैठ चुके हैं। और जो है, आज काफ़ी दिनों बाद मैं इनका शूट कर ले, तो हमने जो है नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हाफ फ्राई अंडे हैं और यहाँ पर कचौरियाँ हैं। ये लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मेरी चाय बन रही है, मैं चाय और पापड़ लूंगी। ये रही, यहाँ मिट्टियाँ रखी हुई हैं। और ये देखिए, सब्जी अंडे हैं बच्चों के अलग अलग। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं और हमारी मैडम के लिए दुआ करिए, जल्द से ठीक हो जाए, खाने पीने लगे। और लाइक दिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतने। और शाम में मिलिए। और ये देखिए, ये जो है मेरे पेट, कल मैं दवाई लेने गई थी ना, तो ये पट्टी करवाई थी, तो मैं अब दिखा रही हूँ अपना फेस आपको। तो ये पट्टी हुई थी। अब आप लोग पूछेंगे किस चीज़ की पट्टी है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है नाश्ता कर रहे हैं, तो हम आपसे, देखो कैसा हो गया इनका। ये देखिए मेरा सारा फेस कैसा हो गया है। मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं था, तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो चलिए, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। तो जी गाइस, देखिए हम जो है बच्चों को लेकर आए हैं डोमिनोज में, बच्चों को मन था पिज़्ज़ा खाने का। तो ये देखिए, हमारा पिज़्ज़े का जो ऑर्डर है आ चुका है। पता नहीं आपका आवाज़ आ भी रही है जने नहीं। तो देखिए, हमारा आ चुका है पिज़्ज़ा, इसमें डल रहा है टमाटर केचप। अभी हमने ना बर्गर का भी ऑर्डर दिया, हमारे बर्गर आए नहीं हैं, तो हम यहीं आ जाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए पिज़्ज़ा वगैरह। लो ले आओ। आपकी 50 साल है? नहीं, उम्र अभी रुक जाओ। अभी हमारे जो है बर्गर भी आ चुके हैं, ये देखिए बच्चों के लिए। अब मेरी तबीयत ख़राब है तो क्या हो गया, पर मैं बस में बच्चों का थोड़ी दिल मार सकती हूँ, तो इसलिए बच्चों को खिलाने आ गए हैं। मैं आ नहीं रही थी खेलने के, कि तुम भी चली चलो, तुम्हारा भी दिल फैल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर, अजान भी हो रही है मगरिब की, तो चलिए मैं बच्चों को खिला देती हूँ। ये देखिए, तो चलिए फिर मैं इनको खिला देती हूँ, फिर आपको भी ले गए। तो जी गाइस, देखिए बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है, अब हम जो है घर चलेंगे। बच्चों को इंजॉय हो चुका है, पिज़्ज़ा सामने जाके बैठ गई हैं और रही। और अभी जो है ना आयरा जो है ना, अभी है ना आराम आराम से खा रही हैं, वो बहुत देर में खाती है ना, तो इन लोगों ने खा लिया है। फिर हम आपसे मिलेंगे घर पर, तो चलिए फिर चलेंगे घर पर। देखिए, तो फिर मिलते हैं आपसे घर पर। Thank you.
मेरी दवाइयाँ हैं जो हम उस दिन लाए थे, मतलब बना नहीं पाए थे ना, तो थकान भी हो गई थी, थक गए थे, तो इसलिए अब बना रहे हैं। तो हम अब दिखा रहे हैं, देखिए सिरप है मेरे पीने का और इसके अंदर भी गोलियाँ हैं खाने की, ये देखिए, और ये देखिए कितनी सारी दवाइयाँ हैं मेरी। ये मलम है, इससे पट्टी होगी चेहरे के ऊपर, और ये देखिए दवाइयाँ मेरी, ये देखिए कितनी सारी दवाइयाँ हैं, और ये गोलियाँ भी हैं, ये रही देखिए गोलियाँ, और ये भी चूरन भी है, ये भी दवाई है जड़ी बूटियों की, और ये भी दवाई है। ये सब मुझे रोज़ाना खानी है। बस ये इतनी सारी जो दवाइयाँ हैं ना मेरी, खाली 15 दिन की हैं, फिर 15 दिन बाद हम दोबारा जाएंगे दिखाने के लिए। तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द अच्छी हो जाऊँ, जल्दी सही हो जाऊँ जैसे मैं पहले थी। वैसे अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से, आप मुझे दुआओं में याद रख रहे हैं ना, आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो देखिए मैं पहले से तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी तबीयत अच्छी है, बोलने में भी सही हूँ मैं। और प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन ना ही तो आप लोग कमेंट करते और ना ही आप सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कीजिए, आगे औरों को भी पता चले। और जैसे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे अल्लाह ना करे कभी किसी की यहाँ कुछ ऐसी बात हो जाए, वैसे मैं बुरे दिल से नहीं कह रही, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, या आपका कोई जानने वाले में किसी को कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए या ऐसी दिक्कत आ जाए तो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा। ये देखिए ये वहाँ का इनका बैग है, तो हम ज़रूर बताएंगे कि हम कहाँ से दवाई लेकर आए थे, अल्लाह ने हमें शिफा दी है, तो हाँ तो आप हमसे जो है कॉन्टेक्ट करिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ से दवाइयाँ जो बात है बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छी दे रहे हैं वो लोग दवाई, अल्लाह का लाख लाख कर रहे हैं। और ये देखिए आयरा जो है ये बैठी हुई है, और ये ट्यूशन का काम कर रही हैं आयरा, और इधर खिजरा बैठी हुई है, ये देखो इन्होंने पेंटिंग बनाई है, ये बस ये जो है ना ऐसी कॉपियाँ चढ़ाती रहती हैं खाली टाइम में, ऐसे करती रहती हैं ये। तो चलिए अब हम जो है ना, ये दवाइयाँ तो हमारी ऐसी रहेंगी, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं ना हम इसकी है ना, हमें अलग अलग पुड़िया बनानी है, क्योंकि हमें अलग अलग ही खानी है, तो हमें इसे 15 दिन की दवाई बना के रखनी है। तो चलिए हम फटाफट से बनाते हैं अपनी दवाई। तो जी गाइस देखिए इस तरीके से हमें अपनी जो है दवाई की पुड़िया बना के रखनी है, ये हमारी 15 दिन की दवाई है। तो इस तरीके से हमने जो है इन्हें कागज़ में कर ली है, अब जो है हम इसका जो है पुड़िया बना बना के रख लेंगे। ये मुझे जो है रोज़ एक पानी से लेनी है, तो अभी जो हम दूसरी दवाई बनाएंगे तो हम उसे भी दिखाएंगे आपको कि हम कैसे बनाएंगे। तो जी गाइस देखिए वो हमारी जो थी 15 दिन की दवाई थी, वो 15 पुड़िया बननी थी, तो वो रोज़ हमें एक खानी है, और इस जो एक वाली जो दवाई है ये हमारी बनी है 30 पुड़िया, ये मुझे सुबह शाम लेनी है, और वो भी शहद के साथ, वो खाली पानी से थी, और ये मुझे जो है शहद के साथ लेनी है। तो ये देखिए अब ये हमने जो है ना अलग अलग यूँ करी है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था अलग अलग करके रख लेना। अब ये बहुत सारी दवाई होती है तो हमें पता नहीं चलेगा हमें कितनी लेनी है कितनी लेनी, इसलिए हम अपने हिसाब से जो है ना पुड़िया बना के रख लेते हैं, तो फिर हमें ना परेशानी नहीं होगी, अपनी दवाई निकालो और खा लो। कभी आप सोचें पता नहीं पुड़िया क्यों बनाई है, वैसे भी तो ले सकते हैं, अभी हम वैसे भी खा सकते हैं, कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी कम भी आ सकती है। अब हमने ये बना के रख ली ना हमने पुड़िया, तो इसमें सब में बराबर की हमारी डिवाइस दवाई हो चुकी है। ये देखिए ये 30 पुड़िया हो चुकी हैं हमारी, तो अब हम इन्हें फटाफट से हम इन्हें भी कर लेते हैं पैक।